हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल स्टडी विद कुसुम पे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए निक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल 5 के आंसर, जिसमें आप ला सकते हैं 10 of 10। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको उसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है, ई सामग्री निर्माण के लिए निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है। इसका आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। थर्ड क्वेश्चन है, ई पाठशाला है। सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ पुस्तकें, ऑडियो वीडियो, पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार। नेक्स्ट ऑप्शन है, हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध। इसके नेक्स्ट ऑप्शन है, एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है सभी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर रहेगा स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर, जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ये भी नहीं है। जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनः वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है, ये भी नहीं है। इसमें इसका कोई भी आंसर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, कोई भी नहीं। आप लोग वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। इसका जो सही आंसर है वो है सभी, क्योंकि जितने ही इसके ऑप्शन दे रखे हैं सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स यानी OER है, ये क्या है। इसके जो सारे ऑप्शन हैं ये सभी सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सामग्री है। मैं फर्स्ट ऑप्शन दिया है, डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो वीडियो, एनिमेशन, इंटरेक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री, रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात, ओलाप आदि से प्राप्त सामग्री, सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक, जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। इसके सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है सभी, ये सही है। अब ICT कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। इसके भी जो सारे ऑप्शन हैं वो सब सही हैं। तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा सभी। ICT संबंधित नहीं है। ICT देखिए, सृजन, प्राप्त करना, पुनः प्राप्ति, इनसे संबंधित है, लेकिन कल्पना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी सभी, इसके जितने ऑप्शन हैं सारे सही हैं। तो सभी वाले ऑप्शन में हम टिक कर देंगे सभी। अब देखिए, ये आ गया आपका सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन, टोटल आंसर। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए 10 of 10। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी। आप लोग की इस वीडियो से बहुत ही सहायता मिलने वाली है। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।